रील रिकॉर्ड में आज बात करूंगी 1966 की फिल्म डायरेक्टेड बाय विजय आनंद एंड प्रोड्यूस बाय नासिर हुसैन, तीसरी मंजिल। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रोड से, एक कर्वी रोड से, एक कार जिस पर जा रही है और रोड के खत्म होते ही तीसरी मंजिल से कोई औरत गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिस लड़की की मौत हुई है वो रूपा है, जो राजेश की मंगेतर थी। कहानी एक साल आगे बढ़ती है, राजेश के पिता रूपा के घर जाते हैं और रूपा की जगह उसकी छोटी बहन सुनीता की शादी राजेश के साथ करने की इल्तिजा करते हैं। सुनीता के पिता कहते हैं, अभी तो सुनीता देहरादून जा रही है, उसके आने के बाद हम डिसीजन लेंगे। देहरादून जाते हुए सुनीता की मुलाकात अनिल से होती है। सुनीता देहरादून पहुँचती है और अपनी सहेली को बताती है कि वो देहरादून क्यों आई है। वो बताती है कि मेरी बहन ने मरने से पहले उसे एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो रॉकी नाम के लड़के से प्यार करती है और रॉकी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए रूपा ने आत्महत्या की है। सुनीता को लगता है कि रॉकी के साथ उसकी बहन का कुछ फिजिकल रिलेशन था, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। अपनी बहन की आत्महत्या का बदला लेने वो रॉकी को ढूंढने आई है अपनी हॉकी टीम के साथ। वो अपनी सहेलियों के साथ मसूरी पार्क होटल पहुँचती है, क्योंकि रॉकी इसी पार्क होटल में ट्रम बजाया करता था। सुनीता अपनी सहेलियों को रॉकी के बारे में बता रही होती है कि रॉकी उनकी सारी बातें सुन लेता है और रॉकी अपने दोस्त से कहता है कि मेरी जगह तुम रॉकी बन जाओ। उसका दोस्त रॉकी बनकर सुनीता से दोस्ती तो कर लेता है, पर एक लेटर लिखकर चला जाता है कि वो अपने गांव जा रहा है, पर अगर अनिल उसे लेने आएगा तो वो लौट सकता है, उसके पिता उसे आने की इजाजत दे देंगे। सुनीता जानती है कि वो एक महीने तक यहाँ नहीं रुक सकती है, इसलिए वो अनिल से रिक्वेस्ट करती है कि वो जाकर रॉकी को वापस लेकर आए। रॉकी इस शर्त पर जाने को तैयार हो जाता है कि सुनीता भी उसके साथ चलेगी। सुनीता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो अनिल के साथ जाने को तैयार हो जाती है। चूंकि वो अनिल पे भरोसा नहीं करती है, इसलिए वो अपनी सहेली को अपने साथ छुपा कर ले जाती है। हादसा कुछ ऐसा होता है कि उसकी सहेली रास्ते में छूट जाती है और ये दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में अनिल सुनीता को गुंडों से बचाता है और सुनीता की गलतफहमी दूर हो जाती है, वो अनिल को चाहने लगती है। वापस जब अनिल होटल पहुंचते हैं तो देखते हैं पुलिस ने उसके कमरे की तलाश ली है। एक मजाक में अनिल कह देता है कि एक बंगला उसका है जो असल में कुंवर साहब का है। एक दिन वो सारी लड़कियों को लेकर बंगले में जाता है, तभी कुंवर आ जाते हैं, पर अनिल के मजाक में वो अनिल का साथ देते हैं और कहते हैं कि मैं अनिल का चाचा हूँ। सुनीता कहती है कि वो उसका रिश्ता मांगने उसके घर अपने चाचा जी के साथ आए। अपनी मजबूरी बताने अनिल कुंवर के पास पहुँचता है, कहता है कि वो रॉकी है और पार्क होटल में ड्रम बजाता है। एक रोज रूपा अपने मंगेतर के साथ उस होटल में आई थी और रॉकी को देखकर उसे प्यार करने लगी, वो उसकी दीवानी हो गई थी। उसने लाख मना करने पर भी रूपा नहीं मानी और एक रात उसे मिलने की जिद करने लगी। हालांकि रॉकी ने मिलने से मना किया था। वो कहता है कि रूपा ने फोन पर कहा था कि वो उससे अगर नहीं मिलेगा तो रूपा अपनी जान दे देगी, पर रॉकी नहीं जानता था कि रूपा सचमुच अपनी जान दे देगी। वो उस रात होटल आई भी उससे मिलने, पर मेरे दरवाजा ना खोलने पर उसने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो रूपा सुनीता की बहन थी। अब सुनीता उस रॉकी को ढूंढ रही है अपनी बहन का बदला लेने। अनिल कहता है कि मैं रूपा को सच बताना चाहता हूँ। कुंवर कहते हैं कि जब हम रिश्ता लेकर जाएंगे तब तुम सच बता देना, पर सुनीता के घर पहुंचकर वो अनिल को सच बताने से मना करते हैं। अनिल सुनीता को सच नहीं बता पाता और सुनीता ये सच जान लेती है कि अनिल ही रॉकी है और अनिल से नफरत करने लगती है। सुनीता के पास से उस लेटर को पाकर अनिल समझ जाता है कि ये बात उसे रूबी ने ही बताई है। रूबी जो पार्क होटल में डांसर है और वो भी रॉकी को चाहती है। वो रूबी को मिलने उसके कमरे में जाता है जहाँ रूबी का भी खून हो जाता है। पुलिस अनिल को बताती है कि रूपा का कत्ल हुआ था, कातिल रूबी को नहीं बल्कि तुम्हें मारने आया था और कातिल कोई पुरुष है। मरते वक्त रूपा के हाथों में कातिल के कोट का बटन मिला था, जो कि किसी अमीर आदमी का ही हो सकता है। अब सब रूपा के मंगेतर पर शक करते हैं। अचानक एक रात एक औरत अनिल से मिलने आती है और कहती है कि तुम लकी होटल जाओ, जहां तुम्हें रूपा का कातिल मिलेगा। अनिल उस औरत को अपने होटल के कमरे में बंद कर लकी होटल जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो जिस कार में जा रहा है उस कार का ब्रेक फेल है। कार खाई में गिर जाती है पर अनिल कूद जाता है। सब सोचते हैं अनिल मर चुका है, पर सुनीता से मिलने अनिल आता है। उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है। वो दोनों राजेश को ढूंढने निकलते हैं, पर रास्ते में अनिल उस औरत को देखता है और उसका पीछा करता है। वो औरत छुपती हुई कुंवर के बंगले में जाती है। अनिल भी कुंवर के बंगले में आता है, पर उसे वो औरत वहाँ नहीं मिलती। तभी उसे कुंवर साहब मिलते हैं। वो सारी बात बताता है कुंवर को। कुंवर उसे अपने कमरे में ही सोने को कहते हैं और चले जाते हैं। अनिल कपड़े चेंज कर रहा होता है, तब वो उसी कोट को देखता है जिसका बटन पुलिस के पास है, और अनिल को ये समझ में आ जाता है कि कातिल कुंवर साहब है।
कुंवर रात के अंधेरे में अनिल का खून करने कमरे में आते हैं, पर अनिल वहाँ नहीं होता। तब वो उस औरत के कमरे में जाते हैं जिसका नाम सबीना है। वो दोनों बात कर रहे हैं और अनिल उसी कमरे में छिपा है। कुंवर के जाते ही वो उस औरत को पकड़ लेते हैं और सच कहने को कहते हैं। वो औरत पुलिस को फ़ोन कर बताती है कि 3 साल पहले वो बेवा हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे। वो दिल्ली में कुंवर से मिली थी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। वो अक्सर कुंवर से मिलने मसूरी आया करती थी। एक रोज वो मसूरी के होटल में थी और कुंवर की पत्नी वहां आ गई। उनके हाथों में बंदूक था, दोनों के बीच झड़प हुई जिसमें कुंवर की पत्नी की मौत हो जाती है। इस हादसे को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में कुंवर और वो औरत जंगल में उस लाश को मिट्टी खोद कर गाड़ रहे होते हैं। तभी उस रास्ते से रूपा जा रही होती है। वो पानी लेने को रुकती है और सब कुछ देख लेती है। उसे देखते हुए कुंवर भी देख लेते हैं। वो भागती है और अनिल के कमरे तक पहुंचती है। वो दरवाजा पीटती है पर अनिल को लगा कि वो उसे परेशान करने आई है। तभी कुंवर उसे पकड़ लेते हैं और 3री मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। अभी सबीना ये कहानी बता ही रही होती है कि कुंवर उसे गोली मार देते हैं। फिल्म का एंडिंग जहां कुंवर को इस बात का पश्चाताप होता है और वो छलांग लगाकर अपनी जान ले लेते हैं। 1966 की फिल्म, उस साल की हिट फिल्म। लीड रोल में शम्मी कपूर, अनिल और रॉकी के रोल में, सुनीता के रोल में आशा पारिक और कुंवर के रोल में प्रेमनाथ, रूवी के रोल में हेलन और मंगेतर के रोल में प्रेम चोपड़ा। फिल्म में पहले देवानंद को लेना था पर देव और नासिर हुसैन के बीच कुछ अनबन हो गई और फिल्म के हीरो शम्मी कपूर हो गए। एक दिन नासिर हुसैन ने गोल्डी से कहा कि एक सीन मेरे दिमाग में आ रहा है। 2 सहेलियां बात करती हैं, तुम कश्मीर क्यों जा रही हो? दूसरी कहती है, मेरी बहन का खूनी उसी शहर में है, उसे ढूंढने जा रही हूँ, मुझे उससे बदला लेना है, जिसका नाम रॉकी है और वो ड्रम बजाता है। गोल्डी को ये सीन बहुत पसंद आया और दोनों ने मिलकर इस सीन पर पूरी कहानी लिख डाली। गोल्डी फिल्म के निर्देशक थे और वो जानते थे कि नासिर अपनी बात जरूर करेंगे, जैसे कि उनकी फिल्मों में हीरो हीरोइन को बागों में गाना गाना। पर गोल्डी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो ऐसी फिल्म बनाएंगे कि उसमें उनकी छाप होगी और उन्होंने ये कर भी दिखाया। चाहे फिल्म के सीन की बात करूं या फिल्म के गाने की, आप कह सकते हैं कि इसमें गोल्डी की छाप है। फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन थे तो ये तय था कि फिल्म की हीरोइन आशा पारेख ही होगी। फिल्म के म्यूजिक के लिए नासिर हुसैन ने ओपी नैयर का नाम लिया, पर गोल्डी ने कहा, नहीं, ओपी नैयर का म्यूजिक इस फिल्म को सूट नहीं करेगा। उन्होंने कहा RD बर्मन को लेते हैं, पर शम्मी कपूर इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा ओपी नैयर नहीं तो शंकर जयकिशन को ले लो। पर गोल्डी ने कहा, फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, शमी कपूर नहीं, और RD बर्मन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। अजीब दास्ता ये थी कि आशा भोसले भी RD बर्मन के खिलाफ थी। जब फिल्म शुरू हुई तो शमी अपनी बात मनवाने लगे, पर जल्द ही शमी कपूर को ये समझ आ गया कि गोल्डी उसकी नहीं अपनी ही मन की करेंगे। फिल्म के पूरे होते होते इन दोनों में कई बार झड़प हुई, पर गोल्डी अपने काम में किसी की भी दखलअंदाजी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने वही किया, उसी तरह फिल्म बनाई जैसा वो चाहते थे। शमी जी शुरू में नाराज रहे, पर फिल्म के अंत होते होते वो गोल्डी की अदाकारी को मानने लगे थे और उन्होंने गोल्डी को सॉरी भी कहा। हालांकि इसके बाद शमी जी ने पूरी तरह से गोल्डी के साथ दोस्ती निभाई। फिल्म के गाने आज भी हम सब की फेवरेट लिस्ट में हैं। फिल्म में 6 गाने थे जिसे आशा जी और रफी जी ने गाया था। पहला ओ मेरे सोना रे सोना, दूसरा ओ हसीना जुल्फो वाली जाने जहां, तीसरा तुमने मुझे देखा हो के मेहरबा, चौथा आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, पांचवा मैं इन पे मर तेरा, पांचवा मैं इन पे मरता हूँ, और छठा दीवाना मुस्सा नहीं इस अंबर के नीचे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इस गाने का मुखड़ा अंतरा पूरा गाना एक शॉट में शूट किया गया था। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, जब इस गाने को शूट करना था इसी दौरान शमी कपूर जी की वाइफ गीता दत्त की डेथ हो गई थी और शमी कपूर बहुत टूट गए थे। विजय आनंद ने इस समय उनका बहुत साथ दिया और अपने दर्द में डूबे शमी जी ने इस गाने को शूट किया था। IMDB में इसकी रेटिंग 7.5 है और मैं इसे रेटिंग करूंगी 8। वजह, गाने और डायरेक्शन। फिल्म के गाने लाजवाब थे, RD बर्मन ने लाजवाब म्यूजिक दिया और डायरेक्शन जिसकी तो बात ही निराली है। फिल्म के चाहे सीन की बात करूं या फिल्म के गाने, हम आज भी इन गानों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इन गानों को पहली बार देख रहे हैं। आप 3री मंजिल को क्या रेट करना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलूंगी आपसे एक नई फिल्म की कहानी के साथ। मुझे सब्सक्राइब करना और अपना मैसेज लिखना ना भूले। सुनते रहिए मेरे साथ रील रिकॉर्ड।